कोई कोई जो है इस सांप को अजगर भी समझ लेते हैं, लेकिन इस प्रकार दोस्तों जहर को छोड़ रहा है ये। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों आप देख रहे हैं सर प्रक्षक संदीप जोशी यूट्यूब चैनल को, और आज जो है हमारे साथ प्रकाश भाई जो कि हमारा ही टीम का सदस्य है। ये जो है कौन सा जगह अभी दोस्तों आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले तो उनसे आप लोग को इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिन्होंने हमको बुलाया है, जिनके घर में सांप निकला हुआ है। तो भैया आज ये कौन फोन किए थे? तो दोस्तों देख रहे हैं इन्हीं भैया ने जो है फोन किया है और इन्हीं के घर में सांप निकला हुआ है। तो भैया आपको नंबर कहाँ से मिला? आपका नंबर सर यूट्यूब से मिला है। अच्छा, और मिलकर आपको कॉल किया गया, आपको बुलाया। पहले इनको फोन किया था ना? पहले प्रकाश भैया को कॉल किए। अच्छा। और प्रकाश भैया यहाँ पर है, आपके घर में सांप निकला हुआ। कौन सा सांप कुछ पता है? नहीं पता नहीं है कौन सा सांप है। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है, यूट्यूब से नंबर निकाले थे। और दोस्तों एड्रेस बता दीजिए, कौन सा? सिंगड़ा बस्ती है, सिंगड़ा बस्ती पांडेडी। सिंगड़ा बस्ती पांडेडी, ये मोहदा में आता है ना? मोहदा में, धनबाद जिला, धनबाद जिला के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कौन सा सांप है। वीडियो का आखिरी तक बने रहे हमारे साथ। स्नेक रेस्क्यू इंस्ट्रूमेंट, ये जो है कोई भी जहरीला सांप है दोस्तों, खतरनाक से खतरनाक सांप, इससे जो है बड़ी आसानी से पकड़ा जा सकता है। तो इसी से आज हम लोग सांप को पकड़ेंगे। और किसी भी व्यूअर्स को लेने का इच्छा है तो आप लोग स्क्रीन पर दिए हुए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और बड़ी आसानी से ये आप अपना घर तक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं कौन सा सांप। नहीं 12 साल का हूं। तो दोस्तों देख रहे हैं इसी रूम में जो है सांप घुसा हुआ है, आइए देखते हैं। थोड़ा करीब से दर्शकों को दिखाइएगा। तो आप देख रहे हैं ये जो है एक रसस वाइपर स्नेक है, जो कि हाईली वेनमस स्नेक होता है, और इंग्लिश में इसको हम लोग रसस वाइपर, द साइंटिफिक नेम इज डोबिया रुसेली। तो दोस्तों अभी जैसे जैसे जो है गर्मी दस्तक दे रहा है, वैसे वैसे सांप जो है निकलना चालू हो रहा है। ठंडियों में सांप जो है, जैसा कि आप लोगों को पता है, नहीं निकलते हैं। अभी जिस प्रकार फरवरी का लास्ट वीक धीरे धीरे गर्मी आ रहा है और सांप जो है बहुत ही तादाद में निकलना शुरू हो गया है। तो दोस्तों ये जो है अपना खाना भोजन का तलाश में लोगों के घर में प्रवेश कर जाते हैं। और देखिए किस प्रकार, थोड़ा सामने से दिखाइए, बहुत ही तेज फुंकार आवाज निकलते हुए, कुकर जैसा आवाज निकलता है, सीटी की तरह, समझ लीजिए कि सीटी बजाता है। तो चलिए सबसे पहले इसको बाहर लेकर चलते हैं। कल ही ये सांप जो है इस घर में घुसा हुआ है, और देखिए काफी ज्यादा गुस्से में। चलिए बाहर, चलिए धीरे धीरे निकलिए। सुनिएगा, तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं ये जो है एक हाईली वेनमस स्नेक रसस वाइपर है, और ये जो है काफी खतरनाक सांप है। ये अगर बाइट करता है, बाइट काटने के स्थान पर, धीरे धीरे दोस्तों वहां पर सूजन होता है, पूरा जो है मांस पीज भर जाता है, और मांस जो है गैंग्रीन, धीरे धीरे गलना शुरू हो जाता है। इतना ही खतरनाक सांप है ये। अगर सीधा आप लोगों को बताएं तो ये सांप अगर काट ले तो शरीर जो है सड़ने लगता है। तो इसको देख के समझ में आ रहा है कि काफी दिनों से भूखा ही है, क्योंकि दोस्तों इसका शरीर में जो है जान नहीं है, काफी पतला गया है, उम्र इसका काफी है, लेकिन ये जो है खाना पीना बहुत दिन से खाया नहीं है। जैसा चूहा हुआ का हो सकता है तलाश में इस घर में घुसा होगा, प्रवेश किया होगा। और थोड़ा प्रकाश भाई जो कि महोदा के रेस्क्यूअर हैं, थोड़ा चाहेंगे कुछ दो शब्द बताएं। देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया से ट्रांसपोर्टिंग द्वारा यहाँ पे ये सांप आया है, और इस कारण बहुत तादाद में फैल चुका है। और ये अंडा नहीं बच्चा देता है, एक बार में 30 से 45 बच्चा देता है, जिस कारण इसका तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और दोस्तों इसमें ह्यूमन टॉक्सिन महीना पाया जाता है, जैसे कि संदीप भाई ने बताया है कि जिस जगह काट ले वहाँ का मांस सड़ने लगता है। इसका जहर का काम ही है ऐसा कि मांस को गैंग्रीन करना। चलिए इसको थोड़ा सा दांत दिखा देते हैं, लोग बोलता है इसका दांत अजगर जैसा रहता है। तो आज आप लोग समझ गए दोस्तों, ये सांप जो है भारत में 70% सांप जो है अंडा देती है, और 30% सांप जो है बच्चों को जन्म देती है, डायरेक्ट बर्थ। तो ये सांप जो है डायरेक्ट बच्चा देता है, और एक सांप दोस्तों 30-32 बच्चों को जन्म देता है, जिसमें से दोस्तों जब
30 डेज के बाद 30 दिन के बाद जब बच्चा निकलना शुरू होता है अंडा से, तो लगभग 10-12 बच्चा ये खुद ही निकल जाते हैं क्योंकि काफी ज्यादा वोकाइल रहते हैं। उसके बाद बाकी जो बच्चा बचता है वो जो है इधर उधर नेचर में घूमते फिरते बड़ा हो जाता है। इसका नाम है दादाजी रसल वाइपर, इसको बोलता है इंग्लिश में, ऐसे इसको बहरा जोड़ा चंदन बोला और सीआर चांदा भी इसका नाम है। जितने भी हमारा वर्ल्ड में सांप है, सभी सांपों में से 3 सांप होते हैं जिनमें से सबसे बड़ा 20 दांत इसका फैंग होता है। तो हम चाहेंगे आज इसका फैंग दिखाने का। प्रकाश भाई देखिए किस प्रकार इसका दांत दिखाएंगे अभी। आज तक जो है आप लोग अपना दांत आईना में देख चुके हैं, लेकिन सांप का दांत देखना बहुत ही मुश्किल काम है। तो इतना ज्यादा रिस्क लेके अभी प्रकाश भाई दांत दिखाएंगे। देखिए सांप का जो है 1 इंच का अंदर 2-20 दांत होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है। इसका ऊपर नीचे, इसका निचला भाग में भी 2-1 दांत होता है, ठीक है। देखिए 20 दांत, जहर भी छोड़ रहा है। किस प्रकार दोस्तों जहर को छोड़ रहा है ये। और ये सांप कभी कभी जो है क्या होता है, ये लोग 3-2 का जगह 3 भी निकल जाता है जब अंडा से निकलता है कोई तरह का, अगर दोस्तों जिसको हम लोग जेनेटिक बोलते हैं। देखिए यहाँ पर इसका 3 दांत है ये सांप का। हाँ 3 गो है। तो जब भी आप लोग सांप काटे घर जाकर दोस्तों डेटॉल सेवलॉन से जिस जगह बाइट किया उस जगह को बड़ी अच्छी तरह से साफ कर ले, और वहां पर देखें 1 इंच का अंदर अगर 2 स्पॉट रहा तब समझ लीजिएगा जहरीला सांप काटा है, और अगर 4-5 स्पॉट रहा तब समझ लीजिएगा बिना जहरीला यानी कि नॉन वेनमस। तो कभी भी हम तो कहेंगे जब भी सांप काटे आप लोग डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि दोस्तों वो लोग क्या करेंगे आपका ब्लड टेस्ट करेंगे, उससे पता चल जाएगा कि न्यूरोटॉक्सिक गया है या हीमोटॉक्सिक गया है। तो चलिए इसी के साथ अब थोड़ा सा, तो ये जो आप लोग देखे हैं ऐसा का भी दोस्तों वीडियो देखकर कॉपी करने का नकल करने का कोशिश ना करें, क्योंकि दोस्तों इसके पीछे जो है पूरा का पूरा प्रशिक्षण होता है, इसके बारे में पढ़ाई होता है, तब जाके हम लोग इस काम को कर रहे हैं। वीडियो को देखकर कभी भी कोई भी दर्शक ऐसा करने का प्रयास बिल्कुल ना करें। तो बहुत ही अच्छी बात है कि गांव वासी जो है सांप को मारा नहीं, इसको फोन से हम लोग को सूचना दिया जिसके कारण इस सांप का जान बच गया। दोस्तों बहुत जगह क्या होता है, आमतौर पर लोग जो है सांप को देखते ही मार डालते हैं, लेकिन सांपों को मारना नहीं चाहिए। ये जो है हमारा पर्यावरण का एक अहम हिस्सा है, सांपों का रक्षण से ही होगा पर्यावरण का संरक्षण। कभी भी सांप निकले तो आपके अगल बगल जो रेस्क्यूअर है स्नेक रेस्क्यूअर उसको आप बुलवाएं, अगर स्नेक रेस्क्यूअर नहीं है तो आप अपना एरिया का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी संपर्क कर सकते हैं जो वन विभाग होता है। तो इसको अभी हम लोग ले जाकर दूर जंगल में छोड़ देंगे जहाँ इंसानी बस्ती नहीं है, हाँ, जहाँ पर कोई आना जाना नहीं करता है। इधर नहीं छोड़ेंगे, इधर छोड़ने से तो फिर आप लोग कल दिन घर एकदम एकदम ये बहुत दूर चल जाएगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और इसके अंदर हीमोटॉक्सिक नाम का जहर पाया जाता है जो कि बहुत ही खतरनाक जहर है, और ये डायरेक्ट दोस्तों आपका ब्लड को क्लॉट कर देता है, खून को जमा देता है थक्का थक्का करके। और देखिए ये जो है अभी और 1 फीट बढ़ेगा, लगभग ये जो है 3 फीट का है ना, 3 फीट इसका पूरा कुल लंबाई हो जाएगा। अभी और 1 फीट और बढ़ेगा। रसल वाइपर सांप जो है हमारा भारत में 4 फीट तक पाया जाता है लास्ट, और ये अभी काफी दिनों से भूखाई ले दोस्तों, जिसके कारण इसका शरीर जो है वैसा तंदुरुस्त नहीं है। देखिए अजगर, कोई कोई जो है इस सांप को अजगर भी समझ लेते हैं, लेकिन अजगर समझने का भूल कभी न करें दोस्तों। बिना जानकारी बिना प्रशिक्षण के सांपों को कभी भी छूने का प्रयास न करें, अन्यथा ये जो है आपके लिए जानलेवा हो सकता है। देखिए दोस्तों ये काम ही है खतरों का, और इसमें जान चला जाता है अच्छे अच्छों का। चलिए इसी के साथ इस सांप को हम लोग पैक करते हैं अब झोली में और ले जाकर दूर जंगल में छोड़ देंगे। कौन सांप है ये भैया? रसल वाइपर है, बहुत ही जहरीला सांप है। हां तो मार रहा है, नीचे को छुआ दो, नीचे मार आजा ना और क्या बात हो। तो चलिए ये जो है पैक हो चुका है पूरे तरह से, और यहां पर देख रहे हो ऑक्सीजन लेने के लिए छेद किया हुआ है। तो इसी के साथ दोस्तों इस सांप को हम लोग दूर जंगल में भी रिलीज कर देंगे। प्रकाश भाई जो कि मोहदा के रेस्क्यूअर है धनबाद जिले के अंतर्गत, और इनका भी एक यूट्यूब चैनल है प्रियांशु स्नैक सेवर बोल के, उसको आप लोग जरूर विजिट करें सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ, मैं संदीप जोशी और प्रियांशु स्नैक सेवर। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और सांपों से दूर रहें। जय जय।